ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बना है और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से, मतलब अपना घर का आप बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ज्यादा ऑयली नहीं रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी ट्राई करो ऐसे सिंपल तरीके से बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसे नहीं कि बहुत सारे मसाला इसमें लगते हैं, बस थोड़े से मसाले से भी आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी कुरकुरे, मतलब पकोड़े आप बना के रेडी कर सकते हो और खा सकते हो। तो ये देखिए आप इसको सॉस के साथ खा सकते हो या फिर चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो बताइएगा आज का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं, ये देखिए ये मैंने 3 प्याज लिया है, इधर देखिए मिर्ची है और इधर देखिए बेसन है। तो आप लोग देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। सब लोग तो आसान बनाते ही हैं लेकिन ये सबसे आसान लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बताओ क्या है, तो बताओ क्या बनाने वाले हैं, हाँ पकौड़ी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, इधर बेसन लिए हैं। तो फिर चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्याज को काटते हैं। तो देखिए प्याज को कट कर लेते हैं, ये देखिए। उसके लिए हम छोटे छोटे कट करेंगे, ऐसे पतले पतले ऐसे छोटे छोटे कट कर लेंगे। पतले पतले प्याज कट करोगे तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। ये तो सबको आता होगा बनाने के लिए, पर फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने कट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरे प्याज को कट कर लिए हैं और इधर ये देखिए मिर्ची, मिर्ची को भी कट कर लिए हैं और इधर ये देखिए बेसन भी हो गया। तो अभी मैं लगा दे रहे, तो फ्रेंड्स ये देखिए नमक है तो नमक को भी लगा देते हैं। अब पानी को डाल रहे हैं ऐसे थोड़े थोड़े। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे बाकी लोग बताते हैं इतने सारे मसाला देते हैं ये वो ऐसे वैसे, ऐसे नहीं। तो मतलब ये मतलब ऐसे सिंपल भी आप बना के खा सकते हो। अगर वो सारे मसाले आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नमक और बेसन और प्याज और मिर्ची है तो आप पकौड़े खा सकते हैं। बस मेरा बनाने का यही था। तो आप लोगों को अगर मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मतलब छोटी ही हूँ। तो मेहनत तो बराबर होता है ना, बड़े यूट्यूबर का जितना मेहनत होता है उससे ज़्यादा ही होता है छोटे यूट्यूबर का ये। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि मेहनत तो सबका एक जैसे होता है ना। ये देखिए हो गया है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बेटर रेडी हो गया है। तो कढ़ाई पर गरम करते हैं तेल। तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं तो अब इसमें तेल डाल देते हैं। ये देखिए बस इतना तेल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो अभी ये
जो बेटर तैयार की है इसको इसमें डाल देते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये देखिए। तो इसको ऐसे करके पलट लेंगे। अरे पलट जा। तो ये देखिए मैंने पलट लिया इसको। तो ऐसे उल्टा पलटा के पलट के इसको मतलब ये कर लेंगे, अच्छे से इसको बना लेंगे। क्योंकि हम लोग है ना इसमें थोड़ा सा तेल डाले हैं ना, इसीलिए अच्छे से नहीं पलट रहा है। अभी हो गया है ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे तरह से पक चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इसको ऐसे करके पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा पलट गया ये देखिए। ये देखिए इसको निकाल लेते, हो गया है ये देखिए। वाह बहुत ही क्रिस्पी बना ये देखिए। हम बाकी को भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इतना थोड़े से बचे। ओके फ्रेंड्स तो देखिए मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इतना सारे पकौड़ी बने, ये देखिए कितने सारे बने और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बना है और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से, मतलब अपना घर का आप बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयली नहीं रहता, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी ट्राई करो ऐसे सिंपल तरीके से बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसे नहीं है कि बहुत सारे मसाला इसमें लगते हैं, बस थोड़े से मसाले से भी आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी कुरकुरे मतलब पकोड़े आप बना के रेडी कर सकते हो और खा सकते हो। तो ये देखिए आप इसको सॉस के साथ खा सकते हो या फिर चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो बताइएगा आज का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर बाय बाय।